आज नमो मतदाता सम्मेलन के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 9 मतदाताओं से करोड़ों करोड़ों मतदाताओं से सीधे मतलब उनका संपर्क हुआ, उनका उद्बोधन मिलने को मिला, सुनने को मिला और पूरे देश में 5800 जगह ये कार्यक्रम आयोजित था। हमारे छत्तीसगढ़ में 174 जगह ये कार्यक्रम आयोजित था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के युवाओं को आह्वान किया है, 9 मतदाताओं से आह्वान किया है कि इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है तो उनका सबका सहयोग चाहिए। देखिए, जो लक्ष्य हम लोगों का था 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का, वो हमको लगता है कि 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसानों की मांग आएगी, धान अगर बेच नहीं पाएंगे तो सरकार जरूर सोचेगी। सर, आपकी दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो अवैध निर्माण है, वो उनकी खुद की जमीन नहीं है जी। प्रदेश के 11 विश्वविद्यालय, हाँ, यूजीसी ने डिफाल्टर घोषित किया है। अब आपकी जानकारी मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आपको देखेंगे अब ऐसा तो हमने सुना नहीं। हम भी गए थे उनके कार्यक्रम में। हाँ, धर्मांतरण के खिलाफ में जरूर उन्होंने कहा और धर्मांतरण और गोहत्या के खिलाफ में तो हम लोग भी रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए इस प्रदेश में।